हेलो साथियों, मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। साथियों, आज हम बात करेंगे अगला टॉपिक। इसके पहले वीडियो में हमने बात किया था, ठीक है ना, गॉस का प्रमेय, ठीक है, यही तो बताया था, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो ये टॉपिक हमने आपके बीच में मतलब कर चुके हैं। तो आज जो हम टॉपिक बनाएंगे वो हमारा रहेगा गॉस के नियम का अनुप्रयोग। ये देखिए इतना इम्पोर्टेंट है, हर साल, एक साल नहीं, हर साल यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और हमेशा आपको बता दें, 4 नंबर 6 नंबर हमेशा पूछता रहता है। तो आपको किसी भी कीमत पर इसको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एक एक टॉपिक को लेकर चलना है साथ में, एनीवन कुछ भी हो, लेकिन हमें एक एक टॉपिक को अपने साथ में कवर कर लेना है। हमने आपको बताया था इसके पहले वीडियो में, आपके बीच में चर्चा किया कि गॉस का नियम क्या है। अगर आप वीडियो नहीं दिए देखें तो जाकर वीडियो जरूर देखें, ठीक है ना। क्या बात किया था कि जो फाई ई होता है, फाई ई माने क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स, वह क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, क्यू आवेश 1/ε0 के गुना के बराबर होता है। फाई इक्वल टू, इसका मल्टीप्लीकेशन किया था तो हमने क्या आया था, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिक आप ये समझिए, आखिर में ये पढ़ क्यों रहे हैं, आप एक एक टॉपिक को समझिए। गॉस के नियम का अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गॉस प्रमेय पढ़ा, गॉस का प्रमेय पढ़ा आपने, ठीक है, लेकिन आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो वीडियो होने जा रहा है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। हम इस टॉपिक में क्या क्या कवर करेंगे, आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग, ठीक है ना, कम से कम 2 अनुप्रयोग तो आना चाहिए। तो 2 अनुप्रयोग की बात कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग ये सीखेंगे कि हम कुलाम का नियम, गॉस के प्रमेय से कुलाम का नियम कैसे प्राप्त करें। कभी कभी कोई पूछ भी लेता है या पेपर में भी आ जाता है कि किसके, गॉस के नियम से हम लोग कुलाम के नियम कैसे प्राप्त करते हैं। तो चलिए बात करते हैं, ठीक है ना, बेसिक से चलेंगे, एक सीरियल नंबर से चलते रहेंगे और टॉपिक वाइज कवर करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने क्या बताया कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने चल रहे हैं हम। क्या बात करने चल रहे हैं साथियों, गॉस के नियम का अनुप्रयोग। इसके पहले आपको गॉस का नियम का अनुप्रयोग पता होगा तब जब आपको पता होगा सतत आवेश का वितरण। क्या, संतत आवेश का वितरण, आवेश का वितरण, जरा समझना, ठीक है ना, वितरण। साथियों जरा बात को समझ लो, हम आपको कहना क्या चाहते हैं। क्या हमने बताया कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ना है, और गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि संतत आवेश का वितरण क्या होता है। अरे सही बता रहे हैं भैया, अगर ये नहीं आएगा ना तो ये मजा नहीं आएगा, इसको तो सीखना पड़ेगा। तो बहुत ही कम समय में हम इसको सीखेंगे। चलिए बात करते हैं क्या कि संतत आवेश का वितरण। संतत का मतलब होता है इक्वल, इक्वल का मतलब होता है समान, संतत का मतलब समान, और आवेश का मतलब चार्ज, वितरण का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन माने बांट देना, बांटना, ठीक है ना, किसी पृष्ठ में। कि हमने क्या बताया कि किसी भी पृष्ठ में, किसी पृष्ठ में कैसा भी हो, किसी पृष्ठ में या कह सकते हैं किसी वस्तु या पदार्थ में, पदार्थ में आवेशों को, आवेशों को एक समान, कैसा, एक समान वितरित करना, वितरित करना, ठीक है ना, संतत आवेशों का वितरण या संतत आवेश कहलाता है। हमारे कहने का मतलब यह है साथियों कि कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वस्तु हो, अगर उसमें हम आवेश एक समान वितरित कर देते हैं, बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, तो हम इसे संतत आवेश का वितरण कहते हैं, है ना। तो जरा समझो आगे की टॉपिक बात करें क्या कि संतत आवेशों का वितरण तीन प्रकार से किया जाता है। बहुत लोग इसे एक विमी, द्विविमी या त्रिविमी के नाम से भी जानते हैं, और हम इसको कहते हैं कि रैखिक आवेश वितरण। इसके बाद में आता है पृष्ठीय आवेश वितरण। उसके बाद साथियों अगर हम बात करें तो आता है आयतन, ठीक है ना, आवेश वितरण। ये आपको याद होना चाहिए। मैंने क्या बताया कि संतत आवेश का वितरण निम्नलिखित 3 मेथड से किया जाता है। एक होता है रैखिक आवेश वितरण, एक होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, और एक होता है आयतनी, या हम कह सकते हैं आयतन आवेश वितरण। जरा समझो, अगर आप कोई पूछे कि ये रैखिक आवेश वितरण क्या है, ठीक है, कोई भी रैखिक का मतलब कोई सीधा होगा,
कंडक्टर होगा, चालक होगा, उसमें आवेश अगर समान वितरित होते हैं तब वह रैखिक आवेश वितरण कहलाता है। पृष्ठ में आवेश समान वितरण होते हैं तो पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है, लेकिन आयतन में जब आवेश का वितरण समान होता है तो आयतन प्रसार वितरण कहलाता है, या हम इसे कहते हैं आयतनीय आवेश वितरण कहते हैं। जानते हैं ना, इसके घनत्व को अगर बात करें, किसकी बात करें, इसकी घनत्व को बात करें तो हम इसको दिखाते हैं लेमडा से। किसे दिखाएंगे, लेमडा इक्वल टू, ठीक है ना, क्या दिखाएंगे, क्यू अपान एल, ठीक है ना, क्यू अपान एल। ये क्या है, चार्ज रैखिक आवेश है, उसमें लंबाई की बात करेंगे, है ना। अब अगर इसके हम घनत्व की बात करें, इसे हम क्या कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व, क्या कहेंगे, रैखिक आवेश घनत्व कहेंगे। लेकिन अगर इसकी घनत्व की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू, ठीक है ना, आवेश हमेशा रहेगा। और यहाँ पृष्ठी की बात करें तो ए भी लिख सकते हो और आप इसको भी लिख सकते हो, क्या, इक्वल टू क्यू अपान एस, ये पृष्ठ है, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना पृष्ठ है। अगर इसकी बात करें साथियों इसके घनत्व का, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग जो है कि रो से पढ़ते हैं, रो इक्वल टू क्यू अपान, और यहाँ ठीक है आयतन की बात करें वॉल्यूम का, तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। समझना बात को, हमने बताया कि संतत आवेश का वितरण क्या होता है, जब किसी पदार्थ या वस्तु में, ठीक है ना, आवेशों का वितरण समान हो तब वह संतत आवेश का वितरण कहलाता है। और ये कितने होते हैं, तीन होते हैं, एक होता है रैखिक आवेश वितरण, एक होता है पृष्ठी आवेश वितरण, और एक होता है आयतनी आवेश वितरण या आयतन आवेश वितरण से हम कहते हैं। हमने क्या बताया, इसका जो घनत्व होगा लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान एल, इसका जो घनत्व होगा रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, और यहाँ चाहे ए कहिए चाहे एस, क्योंकि ये पृष्ठ की बात हो रही है ना, और इसकी अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू क्यू अपान वी। वी क्या है, वॉल्यूम। अब रटना काहे का रटना है, दिमाग में इतना रखना है कि इसको लैम्डा से रिप्रेजेंटेड करेंगे, और इसको अगर हमें दिखाना है तो किसे दिखाएंगे, सिग्मा से, और इसकी अगर बात करेंगे तो किसे हम दिखाएंगे, इसे हम रो से दिखाएंगे। अब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, आयतन की बात कर रहे हैं, तो साथियों समझिए, यहां आयतन होगा, यहां वी होगा, पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो यहां पृष्ठ की बात होगा, और यहां अगर हम रैखिक की बात करें तो लंबाई एल होगी। आवेश को बदलने वाले नहीं है, चार्ज तो ये कितना सस्ता है बताइए ना, कितना सस्ता है। तो ये सिंपल सी बात थी, इसका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए आशा करते हैं नोट हो गया होगा। तो देखिए जरा, एक एक टॉपिक को साथ में लेकर चलना है ना, तो वो कहते हैं ना कि मेहनत, अगर मेहनत कर लीजिए तो हर चीज आसान है, कोई बहुत सरल है, रटना नहीं है। क्या कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम्स या ला कह सकते हैं ना, तो अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो साथियों जरा समझिए, अब करेंगे क्या, जरा पहले चित्र समझ लो। अनंत लंबाई, मैं नहीं कह रहा, यह आपका थ्योरिकल कर रहा है, क्या कर रहा है, अनंत लंबाई। मान लिया मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर का मतलब ये चालक है, और ये क्या है, ये अनंत है। अभी देखिए, अगर मैं ऐसा ऐसा कुछ बना दूं तो ये क्या हो गया, अनंत अनंत हो गया। चलिए इधर भी बना दूं तो ये भी क्या हो गया, अनंत अनंत हो गया। अब इस पर कौन से चार्ज है, प्लस प्लस चार्ज हैं, कैसे चार्ज हैं, ये आवेशित हैं, कैसे हैं, आवेशी चार्ज हैं। और हम करेंगे क्या, हमने क्या किया, मैंने इसके समक्ष r दूरी लेकर हमें एक बेलन बनाना पड़ेगा, क्या बेलन बनाना पड़ेगा साथियों, बेलन। ये देखिए बेलन हमने बना लिया, क्या बना लिया साथियों, ये आपको बेलन बनाना पड़ेगा, अभी आप समझिएगा अच्छे से, ठीक है, हमने एक बेलन बना लिया। अब क्या करेंगे, अरे भैया करना क्या है, कुछ नहीं करना है, गाना गा के बना लो, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, बेलन हो गया, ठीक है, ये बेलन हो गया ऐसे, ठीक। इसका भी अगर बात करें तो ये भी क्या हो गया, ये भी वेलन हो गया, ठीक है, ये भी क्या हो गया, वेलन। और हमने क्या किया, इसकी लंबाई क्या टोटल ले लिया, इसकी लंबाई एल ले लिया, ठीक है साथियों, इसकी लंबाई क्या ले लिया, एल ले लिया। और हमने इसको क्या किया, यहाँ से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पे कोई पृष्ठ है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, और इस पृष्ठ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ए, वेक्टर क्या ले रहे हैं, डी ए बात कर रहे हैं। तो साथियों हमने कुछ किया, कुछ नहीं किया, अनंत लंबाई का कोई कंडक्टर लिया, एक समान आवेशित, सब पे प्लस प्लस चार्ज मैंने लगा दिया, सीधे तार, ठीक है ना। और हमने क्या किया, हम कल्पना करने के लिए, किसका कल्पना करने के लिए, गॉस के नियम की कल्पना करने के लिए मैंने एक बेलन लिया, और क्या किया, इसकी लंबाई एल लिया, और हमने यहां दूरी क्या ले लिया, यहां से यहां दूरी आर ले लिया, और यहां से इस पृष्ठ की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, और इसका जो पृष्ठ हमने क्या ले लिया, डी ए ले लिया, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, थोड़ा सा आपको लिखना तो पड़ेगा, लिखेंगे माना,
क्या लिखेंगे साथियों? माना। क्या मानेंगे? यहां तो माना तो पड़ेगा। माना, माना अनंत, अनंत लंबाई, अनंत लंबाई, ठीक है, अनंत लंबाई का एक चालक, एक चालक है, एक चालक है जिस पर, जिस पर आवेश, आवेश एक समान, एक समान वितरित हैं। क्या है भैया? वितरित हैं। कौन? आवेश। कैसा है? एक समान वितरित हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे क्या, ठीक है, अब आगे लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, अब लिखेंगे कि R दूरी पर L लंबाई, L लंबाई, L लंबाई का एक, एक बेलन, बेलन लिया, लिया है, ठीक है ना, क्या लिया है? L लंबाई पर एक, L लंबाई का एक क्या लिया है? बेलन लिया है, ठीक है ना, जिस, जिसके पृष्ठ, जिसके पृष्ठ पर वैद्युत, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। E की क्या करनी है साथियों? गणना करनी है। तो देखिए कितना आसान है, मैंने कुछ लिखा? कुछ नहीं लिखा। अनंत लंबाई का एक चालक है जिस पर आवेश एक समान वितरित है, ठीक है, अनंत, ये अनंत लंबाई का कोई कंडक्टर या चालक है, इस पर एक समान आवेश क्या है? वितरित है, और मैंने r दूरी पर l लंबाई का कोई एक बेलन लिया है जिसका पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र E तीव्रता E की क्या करनी है? गणना करनी है। इसी पर हमें गॉसियम थ्योरम का क्या करना है? कल्पना, सोचना है, विचार करना है, कल्पना करना है। तो चलिए देखिए, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मिटा देना इसको, अब देखिए थोड़ा जगह हो जाएगा। अब देखिए करेंगे क्या, जरा समझिए, अब लिखेंगे यहीं से, क्या लिखेंगे साथियों? चलिए अब लिखेंगे क्या, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि रैखिक आवेश वितरण, आवेश वितरण लेमडा इक्वल टू क्यू अपान एल। अभी इस टॉपिक पर मैंने बात किया, लेमडा इक्वल टू क्यू अपान एल, अभी इसी टॉपिक मैंने बात किया, रैखिक आवेश वितरण का जो घनत्व होता है, रैखिक आवेश घनत्व भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? घनत्व, ठीक है, क्या हो जाएगा? लेमडा इक्वल टू क्यू अपान एल। सपोज करो अगर इसका गुणा कर दें तो आ जाएगा क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? लेमडा इंटू एल, इसका नाम रखते हैं समीकरण नंबर एक। अब क्या करेंगे? लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वैद्युत, वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? डी फाई ई इक्वल टू ए इंटू डी ए इंटू क्या होता है साथियों? कॉस थीटा। अब अगर यहाँ देखिए, यहाँ थीटा जो बनेगा एंगल वह जीरो अंश लेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? डी फाई ई इक्वल टू ए इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? जीरो डिग्री आ जाएगा। अब आप चूंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं साथियों, कि कॉस जीरो अंश का मान कितना होता है? एक होता है, हो जाएगा क्या? हो जाएगा डी फाई ई, क्या हो जाएगा साथियों? डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए, कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा? एक, तो हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? डी ए। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आई। अब साथियों करेंगे क्या, जरा समझो, इतना तो हमने कर लिया, अब लिखेंगे क्या, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या लिख देंगे? इंटीग्रेशन करिए, समाकलन करिए, तो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल डी फाई ई इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रल ए इंटू डी ए। अब एक काम करिए, क्लोज इंटीग्रल डी फाई ई, अब क्या करेंगे? ई बाहर ले लीजिए, तो क्लोज इंटीग्रल क्या आ जाएगा? डी ए। साथियों जरा समझिए, क्या चूंकि, यहाँ लिख दे रहे हैं चूंकि, क्या चूंकि भैया? चूंकि में क्या कि आप ये जो क्लोज इंटीग्रल डी ए देख रहे हैं, ठीक है, ये डी, ये क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अरे किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां लिख भी दे रहे हैं क्या कि वेलन, वेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, कितना होता है? 2 पाई आर एल होता है कि नहीं? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एल। कोई पूछे 2 पाई आर एल क्या है, तो आपसे कोई पूछे तो आप सीधा यही कहिएगा कि बेलन का क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे क्या, देखिए ये तो कट जाएगा, बचेगा कितना? फाई ई इक्वल टू ए इंटू, अब देखिए इतनी की वैल्यू क्या है? 2 पाई आर एल,
इसका नाम रख देंगे समीकरण नंबर दो। लेकिन अभी हमें किस पर बात करनी है, गॉस का थ्योरम लगाना है, गॉस की प्रमेय की बात करनी है। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, गॉस के परंतु परंतु गॉस के प्रमेय से, गॉस गॉस के प्रमेय से। तो जरा समझिए भैया मेरे, क्या परंतु गॉस के प्रमेय से। अब परंतु गॉस के प्रमेय से क्या करेंगे, जरा समझिए मैटर को। तो गॉस के प्रमेय से क्या करेंगे, अब क्या होता है, क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्साइलन नॉट, ये क्या होता है, गॉस का प्रमेय। अब देखिए, अब लिखेंगे फाई, अब इसका नाम रख दें समीकरण नंबर तीन। चलिए इसको मिटा देते हैं, अब इसका काम तो खत्म हो गया ना, आप नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा जगह बच जाए। अब देखिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे फाई ई का मान समीकरण तीन में रखने पर, क्या लिखेंगे, फाई ई का मान समीकरण तीन में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। तो क्या हो जाएगा साथियों, फाई ई, फाई ई का वैल्यू कितनी है, रखो यहाँ, यहाँ रखो, कितना आ जाएगा, आ जाएगा इन टू टू पाई, ठीक है ना, टू पाई आर एल इक्वल टू कितना बच जाएगा यहाँ, क्यू अपान एप्साइलन नॉट। अब क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, e इंटू टू पाई आर एल इक्वल टू क्यू, है ना, क्या है, q। अब लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे, चूंकि q इक्वल टू क्या आया है, लेमडा इंटू एल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल अपान एप्साइलन नॉट, l और l की क्या हो गई, विदाई हो जाएगी, तो e इंटू टू पाई आर इक्वल टू लेमडा अपान एप्साइलन नॉट। अब e की वैल्यू निकालनी है, तो ये बेचारा भेज दो नीचे, जाए गाना गाओ, जाओ नीचे जाओ, तो e इक्वल टू हो जाएगा लेमडा अपान टू पाई आर इंटू क्या हो जाएगा, एप्साइलन नॉट। तो जरा समझ पा रहे हैं हमारी बात को, कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है करनी है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पहले क्या किया, रैखिक आवेश घनत्व लिया, क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान एल, अब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, समीकरण नंबर क्या मैंने मान लिया, एक। वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू हम जानते हैं इंटू डी इंटू कॉस थीटा, आप ये जानते हैं कि लंबवत के लिए हम जीरो डिग्री लेते हैं, ठीक है ना, तो जीरो डिग्री लिया, तो डी फाई इक्वल टू ए इंटू डी ए कास जीरो डिग्री, कास जीरो अंश का मान एक होता है, मैंने रखा और उसका मल्टीप्लीकेशन किया, ये वैल्यू आ गया। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है, टोटल का हमें वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रल करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, तो मैंने किया। अब ये e बाहर आ जाएगा तो अंदर dA बचेगा, क्योंकि आप जानते हो क्लोज इंटीग्रल dA इक्वल टू टू पाई आर एल, क्योंकि ये पृष्ठी क्षेत्रफल को बता रहा है, किसके पृष्ठी क्षेत्रफल को बता रहा है, वेलन के पृष्ठी क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो फाई इक्वल टू e इंटू, अब ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी थी, टू पाई आर एल मैंने रख लिया, परंतु गॉस के प्रमेय से फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर तीन। अब यही मैंने क्या किया, समीकरण दो की वैल्यू तीन में रखा, मतलब फाई ई यहां है और फाई ई की वैल्यू इतनी थी, मैंने यहां पुट कर दिया, तो फाई ई की जब वैल्यू मैंने यहां पुट किया तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, चूंकि क्यू की वैल्यू कितना होता है, लैम्डा इंटू एल रख दिया, एल और एल की विदाई हो जाएगी, इसको भेज दो नीचे, सीधा आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये पहला था, चलिए दूसरा हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, जरा समझिए, मजा आने वाला है, मजा कैसे आने वाला है, कि बहुत जरूरी है ना, इतना आसान, बार बार आप लोग पढ़ेंगे तभी, प्रैक्टिस करिए, बार बार वीडियो देखिए तभी मजा आएगा। अब देखिए जरा समझिए करना क्या है नेक्स्ट, ये तो पहला आपको पहला एप्लीकेशन बताया, अब हम बात करते हैं दूसरे एप्लीकेशन पर। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, कि एक समान एक एक समान आवेशित, एक समान आवेशित पतले गोलीय गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र कहिए या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जरा समझो अब इसका मैटर क्या है, पहले चित्र समझेंगे तब आप मैटर समझेंगे, उसी अनुसार हम लोग सल्यूशन करेंगे। अब देखो जरा साथियों बात करो, एक समान आवेशित, ठीक है ना, एक समान आवेशित, हमने किया क्या, मैंने एक गोली लिया, ठीक है, और हमने एक गोली पृष्ठ और लिया, इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, ठीक है, एक समान आवेशित, मैंने सब पर एक समान चार्जेस रख दिया, अरे रखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हम एक समान आवेशित
पतले गोले की बात कर रहे हैं, तो इस पर जो चार्ज होंगे वे समान होंगे। ये देखिए ओरिजिन हुआ, इसका नाम ओ रखा। देखो यहां से लेकर बाहर तक की दूरी का हमने नाम रख दिया आर, स्मॉल आर, और अंदर की दूरी अगर बात करेंगे तो ये इसका नाम क्या रखा, कैपिटल आर रख दिया। क्या रख दिया, कैपिटल आर। और इस पॉइंट से बात करें अगर वैद्युत क्षेत्र, तो हमने इसका क्या नाम रखा, वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो क्या रखा, वेक्टर ई। और इस पृष्ठ का ठीक है बात करें तो वेक्टर क्या हो जाएगा, डी ए। अब देखो मैटर क्या फंस रहा है भैया मेरे, क्या इसमें आपको तीन तीन केस हो रहे हैं। कितने केस, तीन केस निकल रहे हैं। पहला केस ये निकल रहा है कि आप गोली पृष्ठ के बाहर, कहां गोलीय, गोलीय पृष्ठ, पृष्ठ ठीक है ना, ठीक है लिखेंगे गोलीय कोष, ऐसे भी लिख सकते हैं गोली कोष के पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ के बाहर। देखिए ये सिचुएशन ऐसा आ रहा है, क्यों, क्योंकि आप तो एक इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीन निकलेगी। पहला निकलेगा वैद्युत, क्या निकला, गोली पृष्ठ या गोली कोष के पृष्ठ के बाहर, एक यहां निकाल सकते हैं। और क्या निकाल सकते हैं, देखिए दूसरा निकाल सकते हैं गोलीय, गोलीय कोष, कोष के पृष्ठ पर, है ना, देखिए कितना मजा आ रहा है, पृष्ठ पर। अब देखो एक तो गोली कोष के पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरी बात क्या मैंने बताया कि किसी गोलीय पृष्ठ पर ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। और तीसरा नंबर कौन सा सिचुएशन बढ़ रहा है, अंदर अगर हो तब क्या होगा, लिखेंगे गोलीय, गोलीय ठीक है ना, कोष, कोष के अंदर, क्या गोली कोष के अंदर। तो आप देख रहे हैं यहां तीन तीन आपको निकालने पड़ेंगे। पहला हमने क्या बताया, आपको मैंने बताया कि गोली कोष के पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू कितनी होगी। और दूसरा सिचुएशन मैंने क्या बताया, इसके पृष्ठ पर क्या होगा। अब फिर क्या बताया, ये अंदर वाला ठीक है ना, इसके अंदर क्या होगा। तो जरा समझो, फिलहाल इसमें तो कोई चार्जेस नहीं है, यहाँ ई वैल्यू जीरो हो जाएगी, अब इस पर हम बात करेंगे ठीक है ना। पहले शुरू करते हैं, अब देखो सबसे पहले नंबर एक बात करते हैं। नंबर एक क्या कह रहा साथियों, गोली कोष के पृष्ठ के बाहर, क्या लिखेंगे, गोलीय, गोलीय कोष, कोष के पृष्ठ के बाहर, ठीक है ना। अब जरा समझिए ना, मजा आएगा ठीक। देखो अब होने वाला क्या है, गोली कोष के पृष्ठ के बाहर, अब गोली पृष्ठ के बाहर बात करोगे तो सोचो जरा, क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं ठीक है ना, क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं भैया, यही तो जानते हैं क्या, कि डी फाई ई वैद्युत फ्लक्स, ऐसे लिख दे रहे हैं वैद्युत फ्लक्स। आप जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, डी फाई ई इक्वल टू ए इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, चूंकि थीटा इक्वल टू क्या रख दी, जीरो डिग्री। अब करेंगे क्या, तो जीरो डिग्री रखो, तो डी फाई ई इक्वल टू ए इंटू डी ए इंटू कास थीटा की वैल्यू क्या है, जीरो डिग्री रख दो, चूंकि आप तो जानते हो ना, क्या जानते हो, कास जीरो का मान कितना होता है, एक होता है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, बोलो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। अरे बोलो ना भैया, होगा कि नहीं होगा, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब करेंगे क्या, ये तो हो गया, अब समाकलन जरा कर दो, क्या कर दो, समाकलन कर दो। तो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल डी फाई इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई इंटू क्या आ जाएगा, डी ए आ जाएगा। अब क्या होगा भैया, यहाँ एक लाइन लिख देते तो मजा आ जाएगा, बस एक लाइन लिख लो, बस छोटा सा लिखना है, क्या लिखना है, गोले का ठीक है बताओ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्र पर, बहुत पढ़ के आए हो, बताओ जरा ठीक है ना, बताओ ना किसका, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, इसी को हम क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए इक्वल भी लिख सकते हैं, क्या 4 पाई आर स्क्वायर। जरा समझो यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल डी फाई ई इक्वल टू ई को बाहर लो भैया, ये देखो ये बदबू दे रहा है, बाहर निकालो, बाहर आ जाओ भैया, तो आ जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए बचा। अब देखो क्या हो जाएगा, इनकी विदाई तो क्या बचेगी, फाई ई इक्वल टू, अब यहाँ ई बचा इंटू, यहाँ क्या बचा डी ए, ठीक है टोटल क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए इक्वल टू कितना वैल्यू है, 4 पाई आर स्क्वायर, हुआ कि नहीं। तो ये देख पा रहे हैं आप,
इतना आ गया, तो इसका नाम हम क्या रख देते हैं, समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर एक। तो अब क्या करें साथी, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, इसका काम खत्म कर दें, है ना। आप नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, नोट हो गया है, मिटा दें इसको। चलो अब करेंगे क्या, कुछ नहीं करना, अब कल्पना करनी है गॉस के प्रमेय से, तो लिखेंगे परंतु गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, प्रमेय से क्या कहता है गॉस का प्रमेय, बोलिए ना, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्साइलन नॉट, फाई ई, फाई ई की वैल्यू कितनी आई है बताओ ना, ए इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, डर लग रहा है, क्यू अपान एप्साइलन नॉट आएगा। अरे बोलो, अभी ई की वैल्यू चाहिए तो इसको भेजो, जाओ भैया नीचे, तो e इक्वल टू जरा सेट कर लो इसको, वन अपान क्या है, फोर पाई क्या लिख लो, एप्साइलन नॉट इन टू क्या है, क्यू अपान आर स्क्वायर, जरा सेट करके लिख दो, अच्छा लगने लगेगा। देखो आया कि नहीं आया, क्या आ गया, गोली कोर्स के पृष्ठ के बाहर। अगर ऐसा ऐसे ऐसा न्यूमेरिकल भी आ जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आना तय है, एक तो आना तय है, चाहे पहला वाला आ जाए और या तो ये दूसरा आ जाए, ठीक है ना, या तो कह सकता है किसी एक अनुप्रयोग का व्याख्या कीजिए, तो आप एनीवन किसी की भी व्याख्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत ही आसान रहा, ठीक है। तो ये पहली बात हुई, पहला सिचुएशन था क्या था, गोली कोष के पृष्ठ के बाहर। लेकिन अब क्या बात करेंगे, गोली कोष के पृष्ठ पर, चलो इसको भी समझ लेते, नोट हो गया ना, मिटा दूं, चलो मिटाते इसको, चलो भैया इसको मिटाते। अब देखो दूसरा सिचुएशन जो होगा इसका, हो जाएगा गोली कोष के पृष्ठ पर, है ना, यही तो बात करनी है, पृष्ठ पर। तो अब क्या हो जाएगा, गोली कोष के पृष्ठ पे बात करेंगे, है ना। तो ये तो हो गया, एक बाहर हुआ और एक क्या करेंगे, पृष्ठ पर बात करेंगे। तो चलो अब पृष्ठ की बात करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ जो R है क्या है, यहाँ देखिए इसी पृष्ठ, यहाँ क्या है R, इसकी पृष्ठ पर बात करेंगे, क्या है R, तो यहाँ क्या लिख देंगे, R इक्वल टू क्या दिया है, कैपिटल R। और पहला वाला क्या आया था बोलो, इसके पहले क्या था, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, आया था कि नहीं आया था, यही आया था, तो ए इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, यहाँ स्मॉल आर है ना, तो यहाँ कैपिटल आर का क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे, यही आपका क्या हो गया, गोली कोष के पृष्ठ पर। यह देखिए यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर बात करेंगे इसके पृष्ठ पर, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, क्योंकि इसकी दूरी मैंने क्या लिया है, आर लिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ लिखना नहीं था, बस इतना आपको करना था, आर इक्वल टू कैपिटल आर ले लिया, इक्वल टू पहला वाला क्या था, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, मैंने क्या किया, जहाँ स्मॉल आर इक्वल टू मैंने क्या लिया, कैपिटल आर रख दिया, और हमने क्या पा लिया, गोली कोष के पृष्ठ पर, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, तो कितना सस्ता है देखो। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्या वाला नेक्स्ट बात करें, गोली कोष के, ठीक है, अंदर, ठीक है ना, गोली कोष के अंदर की बात करें, ठीक है ना, लिखेंगे लिखेंगे, चूंकि गोलीय गोलीय कोष के अंदर आवेश का मान, आवेश का मान नगण्य होता है, क्या होता है, नगण्य होता है ना, होता है, मतलब इसमें आवेश होता ही नहीं है, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, तो जब कोई नहीं होगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, तो जीरो हो जाएगा। अब जरा समझिए, यहाँ इक्वल टू कितना हो गया, जीरो, और ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा इसलिए हुआ साथियों, कैसे, क्यों, क्योंकि यहाँ कोई चार्जेस नहीं है, और जब गोली कोष के अंदर कोई चार्जेस नहीं होगा तो वहाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो कितना मजा आया, कितनी छोटी चीज़ थी, ये बच्चों जैसा खेल था, मजा आ गया। तो चलो इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अंतम, इसका लास्ट टॉपिक बात करते हैं, गॉस का नियम आज खत्म ही हो जाएगा, इसका टोटल फाइनल ही हो जाएगा। अब देखिए इसमें पढ़ेंगे गॉस के नियम से कुलाम, किसका, कुलाम के नियम की प्राप्ति, नियम की प्राप्ति, जरा समझो। अब देखो, अब ये ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, कितनी बढ़िया बात है ये, ऐसा पूछ लेता है, क्योंकि ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि गॉस के नियम से हम कुलाम के नियम कैसे पाते हैं। तो जरा समझो, पहले समझो भैया कि गॉस के नियम से कुलाम का नियम हम कैसे प्राप्त करते हैं। अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, अभी आपने ये सीखा, क्या सीखा, अभी अभी आपने पढ़ा
क्या? वी नो दैट, हम जानते हैं। अभी आपने पढ़ा क्या? अभी अभी पढ़ के आए हैं। इक्वल टू क्या पढ़ा? वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। यही तो अभी पढ़ के आए। क्या पढ़ के आए? कि किसी गोली के पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान क्या होगा? आर स्क्वायर। अभी पढ़ के आए कि नहीं आए? ये पढ़ के आए। इसका नाम हमने क्या रखा? समीकरण नंबर एक। ठीक है, फिर लिखेंगे क्या कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू क्या जानते हैं आप? एफ अपान क्यू नॉट। ये भी पढ़े हैं शुरू में, यही तो मैंने बताया था। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। अब इसका अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर दें तो कितना आ जाएगा साथियों? आ जाएगा एफ इक्वल टू ए इंटू क्यू नॉट आएगा। अब क्या करेंगे जरा बात समझो, क्या कि एफ इक्वल टू ए इंटू क्यू नॉट ऐसा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब देखो जरा बात समझो, अब हो जाएगा क्या? एफ इक्वल टू हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करेंगे? यहाँ e दिया है और e की वैल्यू कितनी है? चलो भैया आ जाओ, क्या हो जाएगा? वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ क्या आ जाएगा? क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू यहाँ क्या है? क्यू नॉट है। क्या है? क्यू नॉट है। तो अब जरा क्या करेंगे इसको? f इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मल्टीप्लीकेशन करो ना तो क्या आ जाएगा? क्यू इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। अगर इसको हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल लगेगा, तो एफ समानुपाती क्यू क्या हो जाएगा? क्यू इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। आप ये दोनों देख रहे हैं ना, ये दोनों क्या है? ये है कूलाम का नियम। क्या है? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आप प्राप्त कर लिए। किससे प्राप्त कर लिए साथियों? बताइए, गॉस के नियम से आप प्राप्त कर सकते हैं। किसके क्या प्राप्त कर सकते हैं? कूलाम का नियम। अगर कहीं पेपर में पूछता है ये भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं साथियों ये बात समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट करते हैं तो मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, सोचता हूँ कि और कैसा वीडियो आपको चाहिए, आप अवश्य भेजिए। एनीवन किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप कमेंट करिए, आपको वीडियो पहुँचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।